तो गाइज आज मैं आपको रिव्यू और एक छोटा सा अनबॉक्सिंग देने वाला हूँ एमआई की 4X TV के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली 2019 के एंड में रिलीज हुई है, जो कि 50 इंच की सुपर अल्ट्रा HD टीवी है। तो ठीक है, ज्यादा टाइम गवाए हुए मैं आपको फर्क से दिखाता हूँ कि इस टीवी में आपको क्या फ्यूचर मिलते हैं और क्या आपको टीवी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बिकॉज काफी लोगों के कमेंट्स और थॉट हैं कि मतलब टीवी कौन सी ले, कौन सी बेटर है, क्वालिटी किसकी अच्छी है, प्रोसेसर किसमें कितना अच्छा है, रैम, मेमोरी मैनेजमेंट, अल्ट्रा HD, कौन सी टीवी की लाइफ ज्यादा है। तो उसका मैं आपको सब पूरा रिव्यू दूंगा कि आपको कौन सी टीवी लेना चाहिए। तो ठीक है, हम फटफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं टीवी की। और एक खास बात, जब आपको टीवी डिलीवर हो जाए, आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तो आपको डिलीवर होने के बाद जो बंदा आपको टीवी देके जाएगा, तो आप टीवी को ऑन द स्पॉट ओपन मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है शायद टीवी कुछ डैमेज हुई हो ट्रांसपोर्टेशन में। तो MI का ही एक एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएगा, जो आपको टीवी ओपन करके पूरा इंस्टॉल करके देगा। तो इस बेटर कि आप वो आए तभी इसको ओपन कीजिए। तो ठीक है, फटाफट हम देख लेते हैं हमें टीवी में क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या नई चीजें मिलती हैं, टीवी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो लेट्स सी। तो दोस्तों ये है वो MI टीवी का बॉक्स, जो कि 50 इंच की टीवी आपको मैं इससे पहले जो दिखा चुका हूँ अनबॉक्सिंग, जो कि MI के एग्जीक्यूटिव ने पूरा बॉक्स आके मेरा अनबॉक्स किया था और इंस्टॉलेशन भी करा के दिया है। सो दोस्तों आपको इस तरीके से कुछ बॉक्स मिलेगा MI टीवी का, जो कि है MI टीवी 4X4K अल्ट्रा HD एंड्रॉइड टीवी है ये। इसमें आपको काफी सारे फीचर इनबिल्ट मिलते हैं, जैसे कि इसमें बॉक्स में ही कुछ डिटेलें दी गई हैं, जैसे कि आपको एंड्रॉइड टीवी मिलती है, डॉल्बी ऑडियो साउंड मिलता है, मीन साउंड क्वालिटी इसकी फाड़ू होने वाली है गाइस, और 4K अल्ट्रा HD है ये, ना कि सिर्फ 4K अल्ट्रा HD मिलता है। DTS HD साउंड है, पैच वॉल प्लस HD हमें कि आपको इसमें काफी सारे पोर्ट मिल जाते हैं USB के। तो ठीक है, फटफट अब टीवी का हम इंटरफेस देख लेते हैं कि हमें टीवी में इंटरफेस। रिमोट कुछ इस तरह का आपको मिलेगा शेप में, जो कि ऊपर आपको स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन का बटन दिया जाएगा। आप जो ये बटन देख रहे हैं गूगल असिस्टेंट के लिए बटन है, और ये लेफ्ट राइट एंड फास्ट फॉरवर्ड आप इसके थ्रू कर सकते हैं। देन मी होम बटन मिलेगा, ये बटन बैक के लिए, और इसमें आपको नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो इनबिल्ट मिलेंगे, बट आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड नीचे वॉल्यूम का दिया है, मीन्स काफ़ी ईजी रिमोट का इंटरफेस दिया है यूज़ करने के लिए। ओके तो फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा टीवी का, आप देख सकते हो ये है 50 इंच की 4X MI की टीवी, जो कि अल्ट्रा HD में दिया गया है। और आप जब ओपन करते हो तो आपको इस तरह से एक होम पेज मिलेगा, और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें इनबिल्ट मिलेंगी, जिसमें आपको होम पेज रहेगा, जिसमें आपको एक VIP मूवी के अलग सेक्शन है, किट, रिलीजन, TV, न्यूज़, म्यूजिक, आपको सबके लिए इनबिल्ट सेक्शन दिया। और ऊपर साइड आप देख सकते हैं ये यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन के लिए आपको एक ऑप्शन दिया है, इसमें आप, ये मेरा कनेक्टर है ऑलरेडी वाईफाई, तो सब इजीली कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई। और साथ में यहाँ पे सेटिंग दी गई है, जिसमें आपको आपका MI अकाउंट वगैरह और जो भी आपको किस तरह से वर्जन चाहिए, लाइट चाहिए, ढाक चाहिए, आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं। और बाकी YouTube वगैरह इसमें काफ़ी इजीली एक्सेस हो जाता है और बिना हैंग किए हुए चलता है। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको जो दिखाया वो था टीवी का अनबॉक्सिंग और उसका टीवी का जो इंटरफेस और रिमोट किस तरह के से आपको यूज़ करना है। सो आपको भी मैं थोड़ा और इसके बता दूँ स्पेसिफिकेशन के बारे में कि आपको मतलब ये लेना चाहिए कि नहीं, क्या फ्यूचर है, क्या नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने मुझे एक मैसेज और कमेंट किया कि टीवी कौन सी लेनी बेटर है, टीवी में रैम कितना होना चाहिए और उसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए। तो बता दूँ इस टीवी में आपको ना 2 GB का रैम मिलेगा और आपको 4 GB इनबिल्ट एक्सटर्नल स्टोरेज मिलता है, जिसमें आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं आप जो भी चाहें। और साथ में ही आपको इसमें डॉल्बी डिजिटल का साउंड सिस्टम मिलता है, और साथ में आपको 3 USB पोर्ट मिलते हैं, एक HDMI पोर्ट मिलता है, और आपको इसमें ब्लूटूथ और वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है। तो अब आपकी कोई भी डिवाइसेस, आपका ईयरफोन है ब्लूटूथ वाला, या आप कंप्यूटर मोबाइल आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप अगर कुछ भी सर्च वगैरह करना है इजिली, तो मतलब आपको गूगल असिस्टेंट के लिए आपको बटन को क्लिक करना और आपको उस चीज़ का वर्डिंग बोलना और आपको चीज़ सर्च होकर आपके टीवी के सामने मिल जाएगी। तो मुझे काफी अच्छा और यूनिक फीचर लगा कि मतलब काफी इजीली सर्च हो सकता है, आपको टाइपिंग की झंझट से बच जाएंगे। और साथ में इसमें गूगल क्रोम कास्ट इनबिल्ट दिया है, जिसके थ्रू आप आपके मोबाइल का डिस्प्ले को आपके टीवी में पूरा एक्सेस कर सकते हैं पूरा। तो एक वो भी काफी अच्छा फीचर है आज के टाइम में और एडवांस फीचर है वो। तो ये बात हो गई इसकी कनेक्टिविटी की, और साथ में इसमें आपको गाइस अल्ट्रा HD मिल जाता है, जैसे आप देख रहे हैं मोस्टली टीवी जो पहले आती थी उनमें 720p आता था, देन फिर
1080p आया, फिर 2K आया, फिर 4K आया, और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो 4K अल्ट्रा HD चल रहा है। तो भाई जो ये टीवी आपको मिल रही है अल्ट्रा HD है, तो ऑब्वियसली इसकी जो क्वालिटी है सुपर होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर आप केबल के थ्रू चला रहे हैं या डिश टीवी के थ्रू, तो आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उसके लिए पड़ेगा। आप नॉर्मल अगर आप वाईफाई के थ्रू यूट्यूब वगैरह यूज करें तो उसमें कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी HD में ही या फुल अल्ट्रा HD में ही मिलेगा। तो दोस्तों बता दूँ, इसका जो रिफ्रेश रेट दिया गया है टीवी वो 60 गर्ट्स का दिया गया है, 60 GHz का दिया गया है, जो कि मतलब काफी ठीक रहता है, मतलब आपकी टीवी बहुत जल्दी हैंग नहीं होगी, काफी अच्छी चलेगी। तो एक मुझे काफी अच्छी चीज लगी, उसका जो प्रोसेसर भी है ठीक ठाक ही दिया है लोगों ने। और एक और खास चीज, क्योंकि टीवी 2019 के थर्ड क्वार्टर में लॉन्च हुई है, तो इसमें आपको जो एंड्रॉयड मिलता है, आपको एंड्रॉयड 9 मिलता है जो कि लेटेस्ट है, तो आपको ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में। क्योंकि ऐसा होता है कि जो आपकी पहली की टीवी ली गई है उनका आपको एंड्रॉयड 5 6 मिलता है, तो कुछ एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करती है। तो बट ये जो आपको, ये आपको लेटेस्ट है, तो ये आपको मतलब आप कुछ भी जा सकते हैं, सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल गाइस मेरा कहना है टीवी के रिगार्डिंग कि 30,000 के रेंज में 50 इंच की टीवी और MI ब्रांड की तो इस वर्थ है, मतलब है ना। आपको और भी बहुत सारी टीवीज हैं कंपनीज की, बट MI एक ब्रांड है और उसका सर्विस सेंटर भी आपको काफी जगहों पे मिल जाएगा। तो मेरी आप लोगों से यही एक मतलब एक ऑप्शन है कि आप चाहें तो ये टीवी ले सकते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि अगर आप चाहते हैं किसी और ब्रांड का, तो आप खुद जाकर कंपेयर कर लीजिए फ्यूचर के बारे में। बट MI भी कोई खराब ब्रांड नहीं है, अच्छा ब्रांड है, मैं खुद इसको यूज कर रहा हूँ काफी दिनों से, काफी अच्छा चल रहा है। तो ये थी इसकी फ्यूचर की बात। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी का, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी काफी मजबूत है कंपेयर टू इसके ऊपर एक और वर्जन आता है जो कि 55 इंच का आता है गाइज। उसमें ये दिया गया है कि उसमें तो डिस्प्ले, उसमें सिर्फ डिस्प्ले ही दिया गया है, उसमें पैनल नहीं है, तो काफी रिस्की है चलाना। तो ये जो 50 इंच का, ये मुझे बेटर लगा। और जब आप इसको लेते हैं तो आपको इसमें 2 साल की वारंटी मिलती है, इसमें 1 साल की वारंटी रहती है पैनल भी डिस्प्ले की, और नेक्स्ट ईयर आपकी पैनल की वारंटी खत्म हो जाती है और आपको सिर्फ डिस्प्ले की वारंटी मिलती है। और आप चाहे तो इसे एक्सटेंड भी करा सकते हैं MI स्टोर से या अमेजोन से, जहां से ही परचेज कर रहे हैं। तो गाइस ये छोटा सा एक होने से मेरा रिव्यू था आपके लिए कि ये टीवी कैसी है, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे काफी लोगों ने DM मैसेज किया था। सो आई होप तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको लगा होगा कि मैंने आपको कुछ सही इन्फॉर्मेशन दी और आपके काम आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो आपके लिए मैं ऐसे और वीडियो लाता रहूंगा कि आपको क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्या आपको वर्थ है लेने का कि नहीं है। तो ठीक है, मैं फाइनल कंक्लूजन में आता हूँ टीवी के। तो कहीं 50 इंच की टीवी 30,000 में वर्थ है लेना, आपको जो फ्यूचर दे रहा है वो सब लेटेस्ट दे रहे हैं, आपको 50 इंच की अल्ट्रा HD दे रहा है, प्लस गूगल क्रोम कास्ट इनबिल्ट है, एंड्रॉयड 9 के साथ टीवी दे रही है विद फ्री इंस्टॉलेशन साथ में आपको मिल रहा है। सो नो डाउट आपकी चॉइस, आप जो चाहे ले सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टाइम। गुड बाय।